आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो गाइस। सो आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट ए मोस्ट हाई प्रोडक्ट आजकल के टाइम का, और ये है फ्रॉम प्लम विटामिन सी सीरम। और ये प्रोडक्ट आप देख सकते हो गाइस, बड़ा प्यारा सा छोटू सा प्रोडक्ट है। इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए, वाइट एंड ऑरेंज कलर में कितना प्यारा लग रहा है, और ये डार्क बॉटल में आ रहा है। तो इसको मैंने परचेज़ किया था गाइस purple.com से, और पर्पल से परचेज़ करते हुए अभी और इसको यूज़ करते हुए मुझे हो गया अराउंड 15 से 16 डेज, और बहुत सारे चेंजेस आए हैं मेरे फेस के स्किन टेक्सचर्स के लेके, पिगमेंटेशन से लेके बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और यही चेंजेस को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है जो इतना हाइप में है, दिस इज़ वर्थ। गाइस एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं विद इस इंग्रेडिएंट लिस्ट, और देखते हैं कि ये प्रोडक्ट में कौन कौन सा अनोखा इंग्रेडिएंट दिया गया है जो कि ये प्रोडक्ट को इतना यूनिक बनाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस मैंने जो इसका इंग्रेडिएंट है, मैंने इसको कैटेगराइज करके बनाया है एक लिस्ट, और ये लिस्ट में गाइस मैंने फर्स्ट कैटेगरी डाला है एंटीऑक्सीडेंट का। तो एंटीऑक्सीडेंट के कैटेगरी में गाइस हमें मिलता है यहाँ पे इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि है 15% है, 15% डेराइवेटिव है विटामिन सी का, इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना दिया गया है गाइस। और सेकेंड है इसमें काकाडू प्लम फ्रूट एक्सट्रैक्ट, और थर्ड में है स्किन ब्राइटनिंग एजेंट जो कि है इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड। तो गाइस इसमें अगर इसके इंग्रेडिएंट इसको हम स्टडी करें गाइस, तो इसमें मेनली क्या है, ब्राइटनिंग के इंग्रेडिएंट भी दिए गए हैं, सॉल्वेंट के इंग्रेडिएंट भी दिए गए हैं, एंड देन आपको ये एंटीऑक्सीडेंट के फायदे भी दे रहा है। ठीक है, तो ये अगर लिस्ट के ऊपर देखा जाए गाइस, तो मैंने पूरी तरह से छान कर निकाला है। तो इसमें मुझे देखने को मिल रहा है कि इरीटेशन वाले प्रोडक्ट्स, सॉरी इरीटेशन वाले जो इंग्रेडिएंट है वो चीज़ भी यहाँ नहीं है। एंड देन सेकेंड में मुझे क्या देखने को मिला कि यहाँ पे कॉमेडोन्स, जो मेरा ये फेवरेट टॉपिक है कॉमेडोन्स, ये भी लिस्ट बिल्कुल यहाँ से आउट है। एक भी मुझे इंग्रेडिएंट इस तरह का दिखा नहीं है जो कि आपको कॉमेडोन्स फॉर्म करा सकता है। ठीक है, बाकी हुए कुछ है, हाँ एक इंग्रेडिएंट है जो कि है जैंटम गम, लेकिन जैंटम गम मैंने आपको, अगर आपने मुझे फॉलो किया हो तो आपको पता होगा कि जैंटम गम जब भी मैं यूज़ करती हूँ थोड़ा सा स्टिकी फील होता है मेरे स्किन के ऊपर, लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्ट में गाइस जैंटम गम जो है ये बिल्कुल सेकेंड लास्ट इंग्रेडिएंट है, तो इसका कंसेंट्रेशन ये प्रोडक्ट में बिल्कुल कम है, जिसके कारण में ये जो प्रोडक्ट है गाइस ये सुइटेबल है मेनली ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है, ये आपके स्किन के ऊपर कैसा फील होगा। सो इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए गाइस, अगर इसकी कंसिस्टेंसी की आप बात करो तो यहाँ आप देख सक रहे होंगे, ठीक है, स्लाइडली वाटरी टेक्सचर तो नहीं है, स्लाइडली उससे थोड़ा सा हल्का सा थिक है, ठीक है, लेकिन ये आपके स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। आप देख सक रहे हो कितनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है, और इसको टाइम नहीं लगता एब्जॉर्ब होने में। और अभी आप देख सक रहे होंगे कि थोड़ा सा ग्लो फिनिश भी आ रहा है स्किन में, और इसको यूज़ करते ही गाइस मुझे ऐसा फील होता है कि स्किन में एक फ्रेशनेस आ गया है। ठीक है, ग्लो के साथ साथ एक फ्रेशनेस आ गया है, और ये इसको एब्जॉर्ब करते ही स्किन जो है थोड़ा सा रिफ्रेशिंग फील होता है। अब ये जब भी मैं यूज़ करती हूँ गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा मेरे स्किन को ब्राइटन भी करता है। ठीक है, और इतने दिनों में, अभी 15 to 16 डेज हो गए हैं, इतने में मैंने जब भी इसको यूज़ किया है मुझे ऐसा लगा कि मेरे पोर्स भी थोड़े से श्रिंक हो रहे हैं। और इसके साथ मैं एक कम्बिनेशन में यूज़ करती हूँ जो कि है, प्रीवियसली मैंने आपके सॉरी प्रीवियसली मैंने जो वीडियोस में मैंने एक डाला था एक टोनर के बारे में जो कि था फ्रॉम द फेस ऑफ, ये और उसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा जा रहा है। मैं फर्स्ट वो टोनर यूज़ कर लेती हूँ एंड देन दिस सीरम यूज़ करती हूँ डे एंड नाइट। तो अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस कि हाँ, ब्राइटनिंग जो इफेक्ट है ये ज़्यादा जल्दी से हो रहा है अदर देन द अदर प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैंने विटामिन सी अलग प्रोडक्ट के भी यूज़ किए थे। हाँ, तो मुझे लगा था कि शायद ये जो है ये और भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसमें जो विटामिन सी सीरम का परसेंटेज जो है गाइस ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 15% दिया गया है, तो मुझे लगा कि हाँ ये जल्दी से काम करेगा, तो इसलिए ही मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था। तो ये सही भी है गाइस, अभी 15 दिन 16 दिन में आप एक प्रोडक्ट से ज़्यादा और क्या एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन ये वो क्लेम जो क्लेम ये करता है कि हाँ आपके चेहरे में एक ग्लो बूस्ट कर देगा, ये बिल्कुल सही है। आप अभी देख पा रहे हो कि मेरे स्किन में आप देख सक रहे हो कि कितना ग्लो है। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया गाइस, मैंने अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन किया हुआ है और मैंने कुछ यूज़ नहीं किया, थोड़े से यहाँ पे हल्के से बाम और हल्का सा लिपस्टिक मैंने बस यूज़ किया और कुछ यूज़ नहीं किया चेहरे पे, आप देख सक रहे हो। ठीक
है, हल्का हल्का सा पिगमेंटेशन का दाग है, क्योंकि मैं पहले में ज़्यादा AHA BHA प्रोडक्ट यूज़ करती थी, तो वहाँ से थोड़ा सा सन बर्न हो गया बीच में मेरा, लेकिन अभी भी वो ग्लो चेहरे पे है। ठीक है, अगर ये इशू को हम लोग छोड़ दें तो देख सकते हो आपकी बिल्कुल ग्लो चेहरे पे आ चुका है। तो गाइस मुझे लगता है कि आपको भी ये परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ग्लो के मामले में और ब्राइटनिंग के मामले में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और ये आपको इतने कम प्राइस में मिल रहे हैं। क्योंकि जितने भी सीरम्स आते हैं गाइस आजकल, अगर अच्छे सीरम्स की बात करें तो अराउंड 600-700 अबव में ही आपको मिलता है, तो लेकिन 500 या 550 की रेंज के अंदर में आपको ये सीरम मिल रहा है प्लम से। ठीक है, और प्लम गुडनेस में मुझे ये प्रोडक्ट अभी तक का सबसे अच्छा फील हुआ, और इनके टोनर्स भी आते हैं अच्छे, लेकिन मुझे प्लम सीरम बहुत अच्छा फील हुआ इस बार। और ये बिल्कुल हाइप में आना चाहिए गाइस, क्योंकि ये एक हाइप वाला प्रोडक्ट ही है। मैंने बहुत सारे लोगों को बात करते हुए सुना था कि विटामिन सी सीरम एंड अदर मिनिमलिस्ट हो गया, ठीक है, अदर बहुत सारे हुए प्रोडक्ट्स ब्रांड, लेकिन ये जो प्लम का जो सीरम है गाइस, ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली है, और बिल्कुल ये मतलब आपकी स्किन को वो बूस्ट, ग्लो बूस्ट कराता है। सो ये आपको बिल्कुल परचेज कर लेना चाहिए, बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, अभी इसके यूज़ करने का आपको अगर तरीका बताऊं गाइस, तो कुछ भी सीरम हो, ये आपको मेनली 2 times इन अ डे आपको ये यूज़ करना होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ था ऐसे इंस्ट्रक्शन गाइस कि आपको दिन में इसको 2 बार यूज़ करना है, आप डे टाइम में भी इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप डे टाइम में इसको यूज़ कर रहे हो गाइस, तो सनस्क्रीन बिल्कुल स्किप ना करें, सनस्क्रीन इज़ मस्ट, क्योंकि सनस्क्रीन ही वो आपकी विटामिन सी सीरम को अच्छी तरह से क्या काम करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ऊपरी लेयर को सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करेगा और अंडर से ये सीरम काम करेगा अच्छे से। एंड देन आफ्टर इवनिंग के टाइम में आप क्या कर सकते हो कि आप अपना स्किन केयर जब करोगे, तब ये सीरम को आप आफ्टर टोनिंग इंक्लूड कर सकते हो, इससे आपको बहुत जल्दी ब्राइटनिंग इफेक्ट देखने को मिल जाएगा गाइस। सो आई होप आपको मेरा ये रिव्यू जो है अबाउट दिस प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा, और अगर आप ये सीरम को यूज़ करते हो या करना चाहते हो गाइस, और प्लीज़ परचेज कीजिए फ्रॉम पर्पल, क्योंकि आपको वहां से ऑफर में बिल्कुल ये कम प्राइस में मिल जाएगा। एंड देन प्लीज डू शेयर योर ओपिनियन अबाउट दिस प्रोडक्ट।